चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में। नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7004975883 पर। हम लोग को बहुत अच्छा लगा, काफी लोग आए हैं। क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, सारे लोग नहा रहे हैं। तो नमस्कार, एटीएल लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूँ चंदन। आज एक बड़ा त्यौहार है जिसे जीवतिया के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि जो महिलाएं हैं अपनी पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस त्यौहार को करती हैं और घाटों पे जाती हैं और उसके बाद से वहां पे स्नान ध्यान होता है, पूजा अर्चना होती है। हम पहुंचे हुए सिवान के दहा नदी घाट पे और हम आपको आज दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार इस बड़े त्यौहार को, यानी कि जो जीवतिया त्यौहार है, जो महिलाएं हैं वो किस तरह से कर रही हैं, घाटों पे किस तरह से भीड़ है और इस लॉकडाउन में भी कोरोना जैसी वैश्विक महामारी है उस पर महिलाओं पर कितना आस्था भारी है। आप देख सकते हैं जो तस्वीरें हमारे ठीक सामने हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो महिलाएं हैं यहाँ पे स्नान ध्यान कर रही हैं, पूजा अर्चना कर रही हैं। तमाम ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हैं, ये महिलाएं यहाँ पे पहुँच करके और इस जीवतिया पर्व के मौके पर यहाँ पे स्नान ध्यान कर रही। इधर भी आप देख सकते हैं जो तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ भी महिलाएं जो हैं स्नान ध्यान कर रही हैं, क्योंकि आज जो जीवतिया त्यौहार है, कहा जाता है कि पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए इस त्यौहार को किया जाता है। तमाम महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है। हम बात करेंगे, कुछ महिलाएँ यहाँ पर आई हुई हैं। ये बताइए कि आप कहाँ से आई हुई हैं? हमने के चाप टेघड़ा चाप से आई हुई। टेघड़ा से। अच्छा, तो ये बताइए कि जो त्यौहार किया जाता है, जीवतिया पर्व है, ये किस लिए किया जाता है, करने की विधि क्या है? करने की विधि के है कि जीवतिया महारानी के कथा सुना जला, बेटा भतर खाती कह जला जीवतिया, तो कि बेटा भतर हमारे जहाँ रहो तहाँ रक्षत रहो, रसीदार रहो, कहीं रहो तो खर जीवतिया कर, तोर माई खर जीवतिया कैले बड़ी, तो वही खाती हमने के बेटा भतर खाती करते हैं। तो और क्या क्या इसमें किस तरह से पूजा होता है, जीवतिया आप लोग किस तरह से करती हैं? पूजा कर पंडित जी कहे निका था तो जीवतिया महारानी के तो आदमी कथा सुने ला, आप पूजा पाठ करके अपन जीवतिया महारानी के पहन के अपने घर जाला। कुछ इसमें कहा भी जाता है भोजपुरी में कुछ आप लोगों का कुछ जीवतिया को लेकर के? नहीं, यहाँ पंडित जी कहे नहीं, तो यही हम सुन के अपना क्या कहते हैं पंडित जी? पंडित जी समझावे नहीं कथा कह के पोती माने, जैसे कि हमने पढ़ल लिखल तो नहीं सन आए अथी माने पढ़ल लिखल बनी, तो पंडित जी अपन कथा के पढ़े नहीं या सुनावे नहीं, तो अपन सुन के आदमी आ गोड़ लगे ला या गोड़ ला के मतलब कि बेटा की उम्र की उम्र ज्यादा हो, आयु ज्यादा हो, इसके लिए किया? हाँ करते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए। देखिए महिलाएं हैं और ये तमाम लोग यहाँ पे आए हुए हैं घाट पे स्नान ध्यान करने के लिए और इसको लेकर के हम आए हुए हैं ताकि एटीएल लाइव चैनल के माध्यम से हम आपको दिखाएं कि जो जीवतिया त्यौहार है उस त्यौहार को सिवान में किस तरह से और कैसे मनाया जा रहा है। तो बिल्कुल उस तस्वीर को आप फिर से एक बार देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं स्नान ध्यान कर रही हैं, सिवान का दहा नदी का घाट है जो कि एटीएल लाइव के माध्यम से दिखा रहे हैं। अच्छी खासी भीड़ है, हालांकि कोरोना जैसी जो महामारी है वो अभी निकली भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद घाटों पर काफ़ी भीड़ है, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा का थोड़ा सा यहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था प्रशासन के द्वारा करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर बच्चे भी इसमें स्नान कर रहे हैं, महिलाएं भी कर रही हैं, और अगर कोई घटना घट जाए तो लोगों की मौत हो सकती है। तो हम एक बार फिर से अपने कैमरामैन से कहेंगे कि देखिए यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। हम चलेंगे कुछ आगे से दृश्य भी दिखाएंगे, हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दृश्य उसको दिखाएं, उस तस्वीर को भी दिखाएं कि महिलाएं जो हैं यहाँ पे किस तरह से और अच्छी खासी संख्या जो महिलाओं की है वो यहाँ पर तमाम भीड़ है। और ये देखिए ये जीवतिया जिसे बोलते हैं ये यहाँ पे बिक रहा है, जीवतिया इसको बोलते हैं, ये यहाँ पे बिक रहा है, ये महिलाएं यहाँ से खरीदेंगी और इसको लेकर के मंदिर पे जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी। तो तमाम तरह का जो दृश्य है यहाँ से हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे क्या होता है। आप लोग भी त्यौहार कर रही हैं, कैसे किया जाता है, क्या करेंगे इसमें? भूखे रहना पड़ता है। अच्छा। दो दिन भूखे रहना पड़ता है, सुबह में आदमी पारण करते हैं, सूरज उगता है उगता है तभी करते हैं। तो अभी आप लोग नहा लिए? अभी नहा कर जा रहे हैं। अभी आप नहा करके आप कहाँ से आप लोग आए हैं? आए हैं बलाटा पोखरा से। बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि इस त्यौहार को
अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए किया करती हैं। हालांकि तमाम महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ है यहाँ पे। पुजारी जी हैं, एक मिनट इनसे भी थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे कि कैसे जो महिलाएं हैं वो स्नान ध्यान कर रही हैं, और ये तस्वीर हम आपको सिवान के दाहा नदी घाट की दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे जो साइड है उसमें यहाँ पे महिलाओं की भीड़ है। और यहाँ पे देखिए एक पंडित जी हैं जो कि ब्राह्मण हैं, यहाँ पे पूजा का जो करने का जो सिलसिला है, जो विधि है, उसको शुरू किया जा रहा है। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो महिलाएं यहाँ पे नहा करके स्नान करके और यहाँ पे बैठेंगी और फिर ये जो कथा है वो सुनेंगी। इनसे भी हम बात करेंगे, पंडित जी से भी जो बाबा हैं। ये बताइए बाबा कि ये क्या हो रहा है और कैसे क्या जी जो कहा जाता है कि जो जीवतिया है वो किस लिए किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। पुत्र के विषय में जीवतिया होता है बरात। अच्छा अच्छा। ये जो स्त्री जो करती है बरात वो पुत्र के विषय में होते हैं। अच्छा। हाँ, जो एक कहानी कहते हैं कि जो कोनो फंद में अगर पुत्र पड़ते हैं उस और कहते हैं तीसरा आदमी के जाओ तुम्हारे माँ जीवतिया खर करती है आकि आप बच सकते हैं, कोनो संकट और से दूर हो जाते थे, इसीलिए व्रत होते हैं। मतलब कि बेटा पे कोई अगर संकट होगा तो इस त्यौहार को करने से वो दूर हो जाएगा। हाँ, दूर हो जाएगा संतान। जी जी जी, ये संतान को तो दूर ये जो आप जो पेड़ अभी एक देखा जा रहा है छोटा सा एक पौधा लगा रहे हैं, ये पौधा किस लिए लगा रहे हैं और इस पौधे को लगा करके फिर आप कैसे क्या करेंगे? पौधा लगा कर और आराम से बैठ गए। ये जो होता है बरियार होता है वो जो वृक्ष जो है जो बरियार होता है वो ऐसी जैसे बरियार होता है ना वैसे पुत्र के भी बरियार होता चाहते हैं, इसीलिए ये पूजा होते हैं। ये जीव का ये मान के चलते हैं कि देव व्रत का ये मानते थे, इसीलिए ये को पूजा होते हैं। इस पूजा करने के बाद ही कथा सुनता सुनाते थे। चलिए अपना नाम बता दीजिए। हमको नाम है व्यास पांडे, मकाम देवरी। व्यास पांडे हैं और आपने देखा कि किस तरह से इन्होंने बताया भी बड़ियार जो है उसका ये पौधा है जो ये बता रहे हैं। तो इस तरह से एक बार हम फिर से अपने कैमरामैन से कहेंगे कि एक झलक दिखाएं, ऊपर से ही एक झलक दिखाएं, क्योंकि महिलाएं हैं स्नान कर रही हैं तो कुछ तस्वीरों को दिखाना हम नहीं दिखा सकते हैं आपको। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है, सिवान का जो दाहा नदी घाट है यहाँ पे काफ़ी भीड़ है और यहाँ पे महिलाएं पहुँची हुई हैं, पूजा कर रही हैं, स्नान ध्यान कर रही हैं। और आज जो जीवतिया त्यौहार है जो कि पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए किया जाता है, जो पुत्र है संतान है उसकी लंबी आयु हो, उसके बाद से अगर उस पर कोई संकट पड़े तो माताएं जो है इस त्यौहार को करती हैं ताकि संकट से निदान मिले। कुछ और भी महिलाएं हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और भी लोग यहां पे पहुंचे हुए, आप लोग भी करती हैं, ये बताइए कि आप भी करती हैं इस त्यौहार को, कैसे क्या करती है थोड़ा सा बताइए। हम लोग जैसे कि सुबह में उठते हैं तो सरगई और रही खा लेते हैं, पानी उनी पी लेते हैं और उसके बाद सारे दिन भूखे रहते हैं। और जैसे कि पेड़ पौधे कुछ भी हम लोग नहीं तोड़ते हैं, खर और कुछ भी नहीं खरकाते हैं, आज सारे दिन भूखे रहते हैं। 2-3 बजे के बाद हम लोग स्नान कर लेते हैं और उसके बाद वो कथा होता होता है वो सुन लेते हैं और कल सुबह पारण करते हैं। आज आप लोग भूखी हैं? हाँ, आज हम लोग व्रत की है, उपवास हैं हम लोग। तो फिर कब आप लोग ये कीजिएगा? कल सुबह 7 बजे, जितना बजे पारण होगा ना उसी उतने टाइम में पारण करेंगे हम लोग। अभी नहाना है अभी? हाँ, अभी नहाना है, नहा कर कथा होता सुनेंगे उसके बाद घर जाएंगे। कहाँ से आप आई हैं? हम लोग ये गांधी मैदान बुढ़िया माई के मंदिर के पास से आए हैं। तो तमाम कई जगहों से लोग पहुंचे हुए हैं और पूजा का जो सिलसिला है वो बिल्कुल अब देख सकते हैं कि अब उसकी जो कार्रवाई है वो शुरू हो चुकी है। जो यहाँ पे ब्राह्मण हैं, जो पंडित जी हैं, वो यहाँ पे एक पेड़ लगा करके और धीरे धीरे जो से वो सिलसिला है पूजा का वो कर रहे हैं। हाँ, अपने कैमरा मैन से कहेंगे कि दिखाएँ भीड़ जो है वो धीरे धीरे। देखिए ये जो मिट्टी लेकर के एक जो महिला है मिट्टी ला करके दी है, ये बताइए कि हाँ थोड़ा सा आपसे बात करेंगे, ये मिट्टी किस लिए लाई है और कैसे पूजा की करेंगी? सर वो हमने के जैसे बच्चा लोग के अपना खातिर हमने के व्रत भूखी लसा कोनो ऐसा संकट बच्चा लोग पर पड़ी तो दूर हो जाए। तो ये मिट्टी किस लिए आप लेकर के जैसे कि यहाँ पे आए? पंडित जी के हलावे खातिर। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग एक साथ बैठ कर कथा सुन? हाँ हाँ, पारा पारी 10 झोंक बैठे मिलो और फिर 10 झोंक उठे मिलो, ऐसा ही कथा सुनेंगे। इस त्यौहार से मतलब कि किस लिए इस त्यौहार को किया जाता है, जैसे कि क्या किस लिए किया जाता है? ये अपना पुत्र खातिर कहल जाला। अच्छा। ये सब हमने के 2 दिन भूखे के पड़ला, पुत्र लोग के कोनो आवार आई तो पतित हो जाए।
कोई संकट आएगा तो उससे दूर हो जाए। तो बिल्कुल जो महिलाओं से बातचीत हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह का जो संकट आएगा हमारे पुत्र पे, इस त्यौहार को करने से उन्हें निजात मिलेगी। तो इसी तरह से हमने आपको दिखाया कि एटीएन लाइव के माध्यम से सीवान के दहा नदी घाट से आकर के कि किस तरह से जीतिया को जहाँ पूरा देश मना रहा है, सीवान भी कम नहीं है। सीवान में भी इस त्यौहार को बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से महिलाएं जो हैं वो घाट पे आ रही हैं, स्नान कर रही हैं और पूजा अर्चना कर रही हैं। एक बार फिर से उस हम दृश्य को आपको दिखाएंगे कि देखिए कैसे जो हैं वो महिलाएं, एक बार पानी की तरफ हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि रुख करें और दिखाएं कि कैसे यहाँ पे जो महिलाएं हैं स्नान ध्यान कर रही हैं, और इसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। दिखाएं उस उधर की तस्वीर को कि छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी इस अपने परिवार के साथ आए हैं, माँ के साथ आए हैं, बहन के साथ आए हैं, और वो लोग भी यहाँ पर पूजा अर्चना जो कर रहे हैं उसमें स्नान ध्यान भी कर रहे हैं। और सामने जो है आप देख सकते हैं कि जीतिया जो है वो बिक रहा है। हालांकि इनकी ख़रीदारी कैसे चल रही है, इधर थोड़ा सा आइए, और आपकी ख़रीदारी कैसे चल रही है यहाँ पर ये बताइए। ये सब 10 रुपया और 20 रुपया का रेंज में है और 5 रुपया का रेंज में, 3 वैरायटी का है। ये जीतिया शुभ काम में आता है, जितबंधन के उपलब्ध में, मतलब कि अलग अलग डिजाइन में जी, ये सब डिजाइन है। ये 20 का है, ये सब 10 का है, ये 5 का है, यही सब रेंज का आता है। और ये वाला तो 100 रुपया पीस का पड़ेगा। 100 रुपया पीस का है जी। तो बिक रहा है इसमें से? सब बिका है। बिक रहा है? हाँ, सब बिका है। मतलब कि लॉकडाउन को लेकर के उस तरह का कहीं कुछ नहीं ना है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिक रहा है। आप लोग बिक रहा है। अपना नाम बताइए। रंजीत कुमार पटवा, मोलेश्वरी चौक, गरीबनाथ मंदिर। देखिए रंजीत कुमार हैं पटवा, और ये जो जीवितिया है, महिलाएं जो आती हैं, आप देखिए कितनी खूबसूरत कसीदाकारी की गई है बिल्कुल, और 10 रुपये से लेकर के और 100 रुपये तक की जीवितिया है। देखिए ये जो जीवितिया है ये थोड़ा सा कॉस्टली है, इसमें थोड़ा सा सोने का पत्थर भी लगाए गए हैं। तो जाहिर तौर पर जो भी जीतियाँ हैं अपने आप में एक अलग पहचान है इनकी, और एक अलग जो कशीदाकारी जो की गई है अलग अलग तरीके से की गई है। तो जाहिर तौर पे जिस तरह से जीतिया पर्व को लेकर के सीवान के घाटों पे महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है और पूजा अर्चना हो रही है, तो कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं अपनी संतान की सुख और शांति के लिए इस तरह का त्यौहार कर रही हैं। हमारी भी कामना है आपके साथ कि जो त्यौहार कर रही हैं माताएं बहनें जो भी हैं, ऊपर वाले आपके साथ हैं, और हमारी भी शुभकामनाएं। और ठीक इसी तरह से हम कुछ और जगहों पर चलेंगे और वहां से भी दिखाएंगे कि सीवान में इस जीतिया पर्व को किस अंदाज में मनाया जा रहा है। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, दहा नदी घाट, सीवान।